राजस्थान के अटरू उपखंड मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ ने जंगी प्रदर्शन कर अटरू मुख्यालय के सभी मार्गों को जाम कर दिया, मगर प्रशासन की एक भी नहीं चली। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे के बाद अचानक बगैर सूचना के 150 ट्रैक्टर लेकर अटरू मुख्यालय पर बस स्टैंड, स्टेशन रोड, खेडलीगंज चौराहे के हाट चौक पर पहुंचकर सारे मार्ग जाम कर दिए। यहां किसान संघ के राष्ट्रीय प्रतिनिधि कैलाश गंदोलिया, प्रांतीय अध्यक्ष विक्रम सिंह सिरोहिया के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने चौराहे पर आम सभा आयोजित कर पीड़ाएं सुनी। किसी संघ के प्रांत अध्यक्ष विक्रम सिंह सिहोरिया ने बताया कि पटवारियों द्वारा गिरदावर नकलों में की गई हेराफेरी के प्रति आक्रोश जताया। वहीं किसानों को फसल बीमा योजना लाभ देने, अकाबत का मुआवजा देने, लहसुन का समर्थन मूल्य काटा दिलवाने, किसानों के घरों में हो रही चोरियां रोकने की मांग को लेकर 2 घंटे तक कस्बे को जाम कर रखा। इस दौरान प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा। आज मुख्य रूप से 2 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तो हमारे हाड़ौती क्षेत्र में लहसुन का जो फसल है उस पे लोगों की जीविका, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये माने कि पूरा हाड़ौती क्षेत्र लहसुन की फसल पर आज की तारीख में टिका हुआ है। लहसुन ओने पोने दानों पर बिक रहा है और यहाँ तक प्रशासन को हमने चेताया कि लहसुन की जो कट्टी फसल होती है उसकी कटाई और कट्टी की कीमत भी आज मंडी में जो भाव बिक रहा है उसमें नहीं निकल पा रही है। दूसरा, हमारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है, भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से लड़के झगड़ करके 50% से ऊपर खराबा लिखवा दिया है। राजस्थान सरकार ने भी मान्य किया है कि आपका फसल खराब है, जो आप मांग कर रहे हो वो वाजिब है, परंतु कहां हमारी मांग अटक रही है। वाजिब मांग को भी राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं हम तो, कि हमारा जो वाजिब हक है, हमारा जो अधिकार है, उसको आप देने से क्यों कतरा रहे हैं। और इन्हीं 2 मुख्य बिंदु और भी सारे 3-4 बिंदु हैं, जैसे बोनस का है गेहूं में, क्योंकि बोनस फसल हमारी गेहूं की खराब हुई है तो हमारी बोनस की मांग है 500 रुपये क्विंटल की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।